प्रदेश में चुनाव और नई सरकार बनने के बाद नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं में उत्साह दिखा। रविवार को परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिली। उनका कहना है कि सरकार ने इस बार परीक्षा के लिए होम डिस्ट्रिक्ट दिया, जिससे काफी ज्यादा राहत मिली है। हरियाणा में चुनाव खत्म होते ही अब लिखित परीक्षाएं, जो लोग नौकरी के लिए अप्लाई कर चुके थे उनकी लिखित परीक्षाओं के दौर शुरू हो गए हैं। पानीपत में हम खड़े हैं एसडी कॉलेज में, कल सैटरडे को और आज संडे को एचटेट की परीक्षाएं ली जा रही हैं। अब ये बताओ, जैसे अभी तक जो नौकरियां थी क्लैरिकल थी और थी, लोग बहुत परेशान थे, इस बार होम डिस्ट्रिक्ट दिया गया, क्या आपको मतलब इससे काफी रिलीफ मिला होगा? हाँ सर, बहुत रिलीफ है, तो आसानी है, अपना घर से आ रहे हैं सुबह आराम से। पहले तो अपना बसों में धक्के खा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है, ये बड़ा अच्छा हुआ और बड़ा आसानी भी, आराम भी है, आ रहे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पहले जैसी समस्या नहीं है। सुनो, सरकार कहती है मेरिट बेसिस पे नौकरी दे रहे हैं हम, जो इंटेलिजेंट है वही लोग आ गएंगे, उनकी सिलेक्शन होगी। आपको लगता है सरकार जो कह रही है ऐसा ही हो रहा है, चाहे एचटेट की बात की? इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। नहीं, आपको नहीं लगता मेरिट बेसिस पे नौकरी मिल रही है? हाँ ये तो है, लग रही है। पोस्ट ग्रेजुएट है? ग्रेजुएट है सर। पूरी तैयारी कर रखी है आपने? हाँ सर, पूरी तैयारी है। अच्छा, मैंने देखा है कई लोग कह रहे हैं जी 5-6 साल से हम परीक्षाएं दे रहे हैं लेकिन कहीं कुछ बन नहीं रहा, इसका मतलब बेरोजगारी बहुत है? हाँ सर, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। जिसको मिल जाए उसके लिए रोजगार है सर, नहीं बाकी के लिए तो बेरोजगारी ही है। तो सरकार मेरिट वाली बात करी, आपको लगता है जो मेरिटोरियस एप्लीकेंट्स हैं वही लोग, उन्हीं को नौकरी की उम्मीद कर सकते हैं जो मेरिटोरियस है? सर वो तो जब मिलेगा तब पता चलेगा, वैसे क्या कह सकते हैं, वो तो जब हम खुद जाएंगे या खुद लगेंगे तभी पता। कितनी बार परीक्षा दे आए आज? 3-4 बार दे चुकी हूँ सर मैं। जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसमें जो पेपर जिन लोगों ने दिया, क्या कहते हैं पेपर, कैसा, आसान है, मुश्किल है? पिछली बार थे, अब की बार ठीक है पेपर। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। जैसे पहली शिफ्ट में पेपर हुआ था, जिन्होंने पेपर दिया क्या कहते हैं, कैसा पेपर रहा? पेपर तो टफ था, बहुत टफ पेपर था, लैंग्वेज अच्छी नहीं देते हैं, वर्डिंग बहुत वो देते हैं, हार देते हैं, इसकी वजह से बच्चे समझ नहीं पाते। जो हमारा साइको है, हमने जब जेबीटी कर ली है, बीएड कर ली है, तो इसका पेपर का मतलब क्या है, क्या यही पढ़ाना है हमें बच्चों को? नहीं, ये तो एक एलिजिबिलिटी है, जैसे नेट का आपका होता है, एचटेट, मतलब जो योग्य लोग आगे आए, इसमें क्या बुरी बात है बताओ? तो फिर मान ले जिनका हो चुका है वो 5-5 साल से वैलिड थे, वो तो खत्म हो गई है, कोई वैकेंसी तो निकाल लेनी है, ये तो कोई फायदा नहीं हुआ एग्जाम लेने का भी। देखिए बहुत सारे लोग सरकार के इस मुंह की तारीफ कर रहे हैं कि इस बार होम डिस्ट्रिक्ट मिला या कम से कम आसपास, एक तो ये, दूसरा सरकार कहते हैं कि मेरिट को कंसीडर कर रहे हैं, ये दावा सरकार का मानते हैं आप? बिल्कुल सही है सर, सरकार बिल्कुल सही है, जब से मनोहर लाल खट्टर जी सीएम आए हरियाणा में 90-95% बिल्कुल नौकरियों में फेयरनेस है, ईमानदारी से सरकार भर्ती करती है। अच्छा, आपकी कई लोगों से बात होती है, वो भी कहते हैं कि नहीं, ये कहा कि मैंने एक मेरी सिफारिश थी कुछ था? बिल्कुल, हम ट्रेन में चलते हैं, बस में चलते हैं, जब भी चर्चा होती है यही होती है कि जब से खट्टर साहब आए हैं बिल्कुल ईमानदारी से काम चला हुआ है, जिसमें कोई पर्ची खर्ची का सिस्टम नहीं है। ये अपनी मैडम को पेपर दिलवाने लाए हैं एचटेट का, इनका कहना है कि सरकार जो दावा करती है कि नौकरी जो है मेरिट पर, नो पर्ची नो खर्ची, सरकार के इस दावे पर मोहर लगा रहे हैं, अगर ये बात सच है तो इसकी तारीफ तो होनी चाहिए। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत।